योगी सरकार गंगा की निर्मलता को लेकर भले ही गंभीर हो, पर जल निगम इसको लेकर संजीदा नहीं दिखता। शहर में गंगा में नाले गिरने से रोकने के नाम पर सिर्फ खानापूरी हो रही है। गंगा में गिर रहे नाले कागज में बंद हैं, लेकिन हकीकत में कई नालों से दूषित पानी सीधे गंगा में जा रहा है। 3 करोड़ लीटर से ज़्यादा दूषित पानी गंगा में रोज गिर रहा है। न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल की तो 5 नाले गंगा में गिरते मिले। सीसामऊ नाले से दूषित पानी भी थोड़ा थोड़ा गिरता मिला। इसका मतलब जल निगम का सिस्टम फेल है, लेकिन बहाना लगातार जारी है। बुधवार की दोपहर को नाले से दूषित पानी का रिसाव लगातार जारी है। गौरतलब है कि 28 करोड़ रुपए से सीसामऊ नाला बंद किया गया था। देखिए बेटा, सीसामऊ का नाला तो बिल्कुल टेप था, लेकिन जब बहुत पानी बरसता है तो थोड़ा रिस्क जाता है। उमरिया नाला जो है, ये तमाम जगह है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान से भी नहीं डरते, जिन्होंने मकान बनाया और नाला जो खोद करके गंगा जी में मिला दिया। अब इस पर अभी बाढ़ करीब बरसात के बाद इस पर कार्रवाई करेंगे, खुद निरीक्षण करके करेंगे।